हेलो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसका असेसमेंट ईयर 2022-24 है उसकी ITR 4 ऑनलाइन कैसे फाइल होगी आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन की साइट को ओपन करना है। अपना लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर अपना चूज करना है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपना ITR फॉर्म चूज करना है, आपको ITR 4 फॉर्म चूज करना है। उसके बाद आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उसको आपको देखना है कि फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP, ये जो ITR 4 है वो इंडिविजुअल फर्म एंड HUF के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप LLP है देन आप अपना ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, 44AD एंड 44AE। अगर सपोज आप 44AD में अपनी ITR फाइल करते हैं एंड अगर आप प्रोफेशनल हैं लाइक आर्किटेक्ट, डॉक्टर, लॉयर, CA, देन आपको अगर आपकी टोटल टर्नओवर, अगर आपको टोटल पूरे साल में पैसा ₹50 लाख तक ही मिला है तभी आप अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44ADA में अपनी इनकम दिखा सकते हैं। बट इसमें भी आपको मिनिमम अपनी 50% इनकम दिखानी होगी। अगर सपोज आपका कोई बिजनेस है एंड आपके पूरे साल में 2 करोड़ तक टर्नओवर है एंड देन आप अपनी ITR 44AD में फाइल कर सकते हैं। सपोज आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स कैश में है देन आपको मिनिमम प्रॉफिट 8% दिखाना है। अदर देन कैश है तो आपको मिनिमम प्रॉफिट अपना 6% दिखाना है। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं या आप ESOP में डील करते हैं या आपकी एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 तक से ज़्यादा है देन आप अपनी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। तो अब इसके अंदर हमने एज्यूम किया कि हम किसी कंपनी में डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ESOP या फिर एग्रीकल्चर इनकम हमारी 5,000 से ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हम अपनी ITR 4 फाइल कर रहे हैं। देन हमें प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे रीज़न पूछेगा आप अपनी ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन हमने ये चूज़ कर लिया। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमें क्लिक करना है। इसके अंदर हमें सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना है। इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम ये डाल रहे हैं कि हम अदर्स हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं हैं। उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट पे एडिट पे जाना है। कॉन्टैक्ट पे जब हम एडिट पे जाएंगे तो हम नीचे ये हमसे एरिया लोकेलिटी मांगेगा, वो आपको एरिया लोकेलिटी इसके अंदर फीड करना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद नीचे ये आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी ITR पहले कभी आपने ओल्ड टैक्स में फाइल करी है या नहीं करी, या फिर आपने न्यू में फाइल करी है या नहीं करी। तो उसके लिए हमें नीचे आने के बाद हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115BAC इन अर्लियर ईयर, तो पहले क्या आपने न्यू टैक्स रिजाइन में अपनी ITR फाइल करी है। अगर आपने येस करी है तब आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है 10IE का, अदरवाइज आपको इसको नो क्लिक करना है। अभी हम इसे नो क्लिक करते हैं। देन वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि आप इस साल भी न्यू में करना चाहते हैं या ओल्ड में। अभी हम ये डाल रहे हैं कि हम इसमें नॉट ऑप्टिंग। उसके बाद आपने अपनी ITR खुद फाइल कर रहे हो या किसी और के थ्रू करवा रहे हो, इसको भी हमें नो डालना है। देन आपको अपनी बैंक डिटेल्स चेक करनी है, उसमें से आपका एक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है। अगर अगर आपकी सैलरी इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो आप इसमें डाल सकते हैं। देन हम इसमें स्किप द क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्किप द क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, तो हमें बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम के लिए ऐड डिटेल्स में जाना है। ऐड डिटेल्स में आपको बेसिकली नेचर ऑफ अ बिजनेस डालना होता है, अपने बिजनेस का नेम डालना है। ऐड उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। इनकम फ्रॉम सैलरी में हम एज्यूम करें हमारी कोई सैलरी इनकम नहीं है, कोई हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। उसके बाद बिजनेस और प्रोफेशन में ऐड
डिटेल्स में आपको जाना है। देन आपको अपना नेम ऑफ अ बिजनेस डालना है। सपोज हमने ABC डाल दिया और आपका बिजनेस कोड जो भी है आपको वो अपना चूज करना है। अभी हमने फिलहाल के लिए कोई बिजनेस कोड हमने अपना चूज कर लिया। उसके बाद आपको अपनी ग्रॉस टर्नओवर डालनी है। एक हमने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है। सपोज आपकी टोटल टर्नओवर 70 लाख रुपीज़ है और आपकी पूरी ट्रांजेक्शंस कैश में है, तो आप इसमें जब अपनी टर्नओवर डालेंगे तो आपको अपनी टर्नओवर कैश मोड में है। जो हमारा बी ऑप्शन आएगा उसमें हमें 70 लाख रुपीज़ डालना है। वो हमने डालने के बाद तो हमने ये देखा कि मिनिमम हमें 8% अपना प्रॉफिट दिखाना है। तो हम अपना एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रॉफिट भी जो है वो 8% ही है। तो हमारा 5,60,000 रुपीज़ आ गया, वो हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद आपको जब आपने ये डाल दिया उसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर सपोज आप 44 ADA में फाइल करते हैं तो आपको प्रिजम्प्टिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 ADA में अपनी डिटेल्स डालनी है। अभी हमने अज्यूम किया कि हमारी इनकम जो है वो 44 AD में है। उसके बाद आपको ये देखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जितना भी आपका 26 AS या AIS में जितना इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो सारी आपको अपनी इनकम यहाँ पे शो करनी है। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड हो गई 26 AS से जितना हमारा FD पे या सेविंग्स पे जितना इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ था। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको डालनी है। ये कंपल्सरी होता है जो आपको इसके अंदर डालना है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस, आपको अपनी GST में आपकी कितनी टर्नओवर आ रही है वो डालना है। देन आप अपना GST नंबर जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। GST नंबर डालने के बाद आपको एनुअल वैल्यू डालनी है कि आपकी कितनी टोटल टर्नओवर है, वो आपने यहाँ पे डाल ली। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। हमने अज्यूम किया कि हमारी 70 लाख रुपीज़ ही हमारी GST में हमने पूरी की पूरी अपनी टर्नओवर यहाँ पे शो करी है। उसके बाद आपको एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपकी है तो आपको उसको ऐड डिटेल्स में यहाँ पे जाना है। फिलहाल हमारी कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस डालने हैं। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स जो हैं वो आप इसके अंदर जो मैंडेटरी फील्स हैं वो आप डालने हैं। सपोज हमने अज्यूम किया कि हमारे क्रेडिटर्स 48,000 रुपीज़ हैं और उसके बाद इन्वेंट्री है। अगर आपकी कोई इन्वेंट्री है तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। सपोज हमने 52,000 किया, डेटर्स हैं वो आप अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपका बैलेंस विद बैंक है वो ऑप्शनल है, अगर लेकिन आपका कैश इन हैंड बैलेंस है तो वो आपको डालना है। आपका कितना आ रहा है वो सब आपने डिटेल्स जब यहाँ पे डाल दी उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन डल गई। देन आपको कन्फर्म पे जाना है। कन्फर्म पे जाने के बाद आप देखेंगे आपकी डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देन आपको टोटल डिडक्शंस जितनी आपने चैप्टर 6A में डिडक्शंस क्लेम की हैं आपको उसकी डिटेल्स डालनी है। हमने ये अज्यूम किया कि हमने ATC में हमने 1,15,000 रुपीज़ जो मैक्सिमम हमारा अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन हमने इसमें क्लेम करी है। तो ATC में हमने यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ डाल दिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इसके अलावा हमारी कोई भी डिडक्शंस नहीं है। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे जब आपने क्लिक कर लिया पूरी डिडक्शंस डालने के बाद हमें टैक्स पेड के कॉलम में आना है। उस पर हमें क्लिक करना है, देखना है जितना भी हमारा TDS डिडक्ट हुआ है वो सब हमारा 26 AS से ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट पे आके कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो आ रही है वो निल आ रही है। उसके बाद हमें इस पर दोबारा से क्लिक करना है। इस पर भी हमें अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देखनी है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देखने के बाद हमने देखा कि हमारा टैक्सेस पेबल जो है वो हमारा निल बना। देन हमें कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाने के बाद प्रीव्यू ITR करना है। प्रीव्यू ITR करने के बाद हमें ये आई एग्री पे क्लिक करना है। देन हमें प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाना है। एक बार हमें अपनी पूरी ITR को प्रीव्यू करना है, अगर कोई भी एरर है तो हम उसे एडिट पे जाके सही कर सकते हैं।
उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन में, उसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाने के बाद हम देखेंगे हमारी फाइल जो है वो वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अगर कोई एरर होता है तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे जाके आप एरर भी सही कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जब हम जाएंगे, हमें आईटीआर जो ई वेरीफाई करनी है, या तो हम आधार ओटीपी से अभी कर सकते हैं, या अगर हम बाद में करते हैं तो हमें विद इन 30 डेज तक अपनी आईटीआर को वेरीफाई करना है। अगर हम हार्ड कॉपी को भेजते हैं तो भी हमें 30 डेज तक भेजना है, बट 30 डेज के बाद आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। दैट मीन्स आपने अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं करी। एंड आई होप गाइज आपको ये ITF4 की वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।